नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक का जो क्रेडिट कार्ड आपको 811 मिलता है उसके बारे में। एक दिक्कत आ रही है इसमें, उसके बारे में बात करूंगा। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। आपको बता दूं कि जब आप होम पेज खोलते होंगे 811 क्रेडिट कार्ड का जो होम पेज होता है कोटक का, 811 जो ऐप है उसमें जा करके, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर स्क्रीन दिखाना चाहूँगा। वहाँ पर एक दिक्कत आपको शो हो रही होगी जिसमें लिखा हुआ ट्रांजेक्शन डिसेबल्ड लिखा हुआ आपको आ रहा होगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो होम पेज है वहाँ पे आपको एनेबल कर देना है, और एनेबल जैसे ही करेंगे आपको कार्ड की सेटिंग पर लेकर के चला जाएगा। और वहीं पर आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे जो आपका ऑनलाइन और ई कॉमर्स वाला है वो आपका डिसेबल हो रखा है। और आपको बता दूँ ये प्रॉब्लम तब आपको आ सकती है जब आपने कार्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया हो और वहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल हो गया हो, उसके बाद नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको जैसे ही एनेबल नाउ पे करेंगे और उसके बाद जो ऑनलाइन ई कॉमर्स का है उसको डिसेबल जो है उसको एनेबल कर देना है, और कार्ड स्टेटस जैसे अनलॉक किया हुआ है मैंने तो वो भी आप कर देना, देख लेना इसमें से कौन सी सेटिंग आपने ओके नहीं कर रखी है, ऑन नहीं कर रखी है। कॉन्टेक्टलेस वाली भी ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, तो वो मैंने ऑफ ही किया हुआ है अभी फिलहाल, उसके क्योंकि टैप एंड पे इसको कहते हैं तो ये अभी फिलहाल मेरे यूज़ में नहीं है ज़्यादा। और ATM पर भी अनेबल आप कर सकते हैं, ताकि मान लो इमरजेंसी में आपको ATM विड्रॉल करना पड़े तो आप कर सकें। वैसे ही कुछ चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि आप ATM से विड्रॉल ना करें, जो क्रेडिट कार्ड होता है तो ही ठीक होता है। तो जैसे ही सारा एनेबल कर देंगे जो जो यहाँ से आपको लेना है, स्पेशली ऑनलाइन और ई कॉमर्स वाला अगर आपने नहीं किया है एनेबल, तो इस तरह से आपको आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही एनेबल कर देंगे तो नीचे कंफर्म वाला जो बटन है वो रेड हो जाएगा, उस पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म होने के बाद सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर एनेबल और डिसेबल ट्रांजेक्शन ऑन योर कार्ड हैज़ बीन प्रोसीड सक्सेसफुली। और कार्ड कंट्रोल पे दोबारा से जाएंगे तो अब आप देख रहे होंगे कि जो वो वहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल वाला इशू आ रहा था वो अब आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ट्रांजेक्शन डिसेबल वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। और जैसे ही उसको कर देंगे उसके बाद आपका वहाँ से वो हट जाएगा, और उसके बाद आप इस कार्ड को यूज़ कर पाएंगे। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने जो सेटिंग कार्ड कंट्रोल है और कार्ड सेटिंग है वहाँ पे आपने उसको एनेबल नहीं किया था, जिसकी वजह से ऑनलाइन और ई कॉमर्स साइट्स पे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।